हेलो एवरीवन, एक और स्कूल की वैकेंसी आई है जो कि परमानेंट पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, प्री प्राइमरी टीचर, स्पेशल एजुकेटर और हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। सीटेट यहाँ पर नहीं मांगा गया है, कोई एग्जाम नहीं होगा, ना ही कोई एप्लीकेशन में फीस लगने वाली है। फ्रेशर भी जो है यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। सैलरी यहाँ पर 60,000 रुपये जो है आप लोगों को पर मंथ जो है यहाँ पर मैक्सिमम मिलने वाली है, सेवंथ पे कमीशन के अकॉर्डिंग। साथ में और भी सुविधाएं दी जाएगी, डीए, ईपीएफ, मेडिकल, ग्रेजुएटी, ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। लास्ट डेट जो है वो 19 अक्टूबर रहने वाली है, तो समय से पहले जो है आवेदन कर दें। आज जो है 4 अक्टूबर है और 19 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। सभी सब्जेक्ट की वैकेंसी आई है यहाँ पर, आपका सब्जेक्ट आपको जरूर यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की भी अगर हम बात करें तो इंग्लिश, हिंदी, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इतने सारे सब्जेक्ट आपको केवल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए ही यहां पर देखने को मिलेंगे। बाकी चीजें हम डिटेल में अभी नोटिफिकेशन में देखेंगे। सभी स्टेट के कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं नोटिफिकेशन कहां से आया है। तो ये जो है मेन वेबसाइट है धनवाद पब्लिक स्कूल की, यहां से ही जो है वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो ये एडवर्टीजमेंट है धनवाद पब्लिक स्कूल, केजी आश्रम, गोविंदपुर रोड, धनवाद। ठीक है, यहां पर इसकी मेन वेबसाइट का जो लिंक है वो भी दिया हुआ है, जिससे कि आप स्कूल के बारे में जो है और भी नॉलेज हासिल कर सकते हैं। सिचुएशन वीकेंट, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम ट्रेंड टीचर ओनली फॉर द फॉलोइंग सब्जेक्ट। इतने सारे सब्जेक्ट हैं यहां पर, तो इसके लिए जो है ट्रेंड टीचर्स इनको चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो है नहीं मांगा गया है। अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आप यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं, और जिनके पास एक्सपीरियंस है तो और भी अच्छी बात रहती है। पीजीटी के लिए जो सब्जेक्ट हैं यहाँ पर, इंग्लिश, हिंदी, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। तो अगर आपने मास्टर डिग्री इन किसी भी सब्जेक्ट में किया है तो आप बिल्कुल अप्लाई करें। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी के लिए सब्जेक्ट हैं इंग्लिश, हिंदी, साइंस, संस्कृत, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड लाइब्रेरियन। तो इनमें जो है आपने इन सब्जेक्ट को, इसमें से किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो इसे आपने स्नातक में, ग्रेजुएशन में 3 साल पढ़ा हो, साथ में बीएड मांगा गया है। नेक्स्ट, प्राइमरी टीचर्स में केवल जो है फीमेल कैंडिडेट ही जो है अप्लाई कर पाएंगी। इंग्लिश, मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, ये सब्जेक्ट रहेंगे। तो आप लोगों के पास जो है 12th है, ग्रेजुएशन है, और साथ में आपने डीएड या फिर बीटीसी, एसटीसी, डीलेड आपने कंप्लीट किया है तो आप बिल्कुल फॉर्म भरें। प्री प्राइमरी के लिए यहां पर लिखा है एनटीटी या ईसीसीई क्वालिफाइड फीमेल ग्रेजुएट ओनली। तो यहां पर जो मेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकती हैं। स्पेशल एजुकेटर आरसीआई अप्रूव्ड, स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है। अगर आपके पास बीएड स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा है तो आप फॉर्म बिल्कुल डालें। हॉस्टल वार्डन में भी जो है फीमेल ही अप्लाई कर पाएंगी। क्वालिफिकेशन यहां पर कहा है हिंदी और इंग्लिश जो है आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए, और आपके पास किसी भी स्ट्रीम में, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, किसी भी स्ट्रीम में जो है आप लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट की हो, स्नातक कंप्लीट किया हो। तो ये सभी सब्जेक्ट हो गए, ये सभी पोस्ट आपकी हो गई। तो अब चलिए नीचे देख लेते हैं। अब यहां पर जो है किसी भी पोस्ट के लिए एज क्राइटेरिया नहीं शो किया गया है, यानी आप किसी भी उम्र में आते हैं आप फॉर्म डाल सकते हैं, क्योंकि एज यहां पर मेंशन नहीं की गई है। लेकिन हॉस्टल वार्डन के लिए यहां पर एज बताई है मैक्सिमम अप टू 40 ईयर, 40 साल तक की जो है अधिकतम उम्र आपकी होनी चाहिए। बाकी अगर आप फ्रेशर हैं तो भी अप्लाई करें, आपके पास एक्सपीरियंस है किसी भी पब्लिक स्कूल में पढ़ाने का तो भी आप यहां पर अप्लाई करें। नेक्स्ट जो है एप्लीकेशन करने के लिए क्या करना होगा, तो बहुत अच्छे से यहां पर देखिए, कैंडिडेट वू लेक फ्लुएंटली इन इंग्लिश नीड नॉट अप्लाई। इनका कहना है कि जिनकी इंग्लिश बहुत ज्यादा कमजोर है तो वो कैंडिडेट जो है वो अप्लाई ना करें। ठीक है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये जो है नोटिफिकेशन में लिखा है तो वो मैं आपको बता रही हूँ। एप्लीकेशन अलॉन्ग विद अ फोटोग्राफ एंड फोटो कॉपीज ऑफ ऑल टेस्टिमोनियल्स शुड बी सबमिटेड पर्सनली और सेंड बाय पोस्ट इन द स्कूल ऑफिस लेटेस्ट बाय 19 अक्टूबर 2023। आप लोगों को क्या करना है, गूगल पर आप लोग सर्च करेंगे, एप्लीकेशन लेटर आपको मिल जाएगा, या तो आप टाइप कर लें या फिर आप उसको देखकर लिख लें, और उसके बाद जो है किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको लिखना है, और वहां पर आप लोगों को एक जो है डेमो टाइप में जो है वो मिल जाएगा, उसको आप देख कर और अपना जो है एप्लीकेशन लेटर तैयार करेंगे। फोटोग्राफ लेनी है आपको अपनी, और जितने भी आपके 10th के बाद की मार्कशीट हैं
डिग्री हैं उनकी सभी फोटोकॉपी लेनी है, साथ में अटेस्ट करनी है। या तो आप पर्सनली स्कूल में जाके सबमिट करवा दें या फिर आप बाय पोस्ट करें। आप लोगों को या तो रजिस्टर पोस्ट करनी होगी या स्पीड पोस्ट करनी होगी। सिंपल पोस्ट करने पर जो है बिल्कुल समय पर नहीं पहुंचता है और आप लोगों का जो है एप्लीकेशन फॉर्म अगर समय पर ही नहीं पहुंचेगा तो उसको करने का कोई भी फायदा नहीं है। सैलरी मैंने आप लोगों को बता दी, 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो है सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। ईपीएफ, मेडिकल, ग्रेजुएटी, ये सभी जो है सुविधाएं भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। और बाकी जो एक्सपीरियंस जो कैंडिडेट हैं जिनको एक्सपीरियंस है किसी भी पब्लिक स्कूल में पढ़ाने का, तो उनको और भी यहाँ पर जो है वरीयता मिलेगी। ये जो है एड्रेस रहेगा पोस्ट ऑफिस की, केजी आश्रम, गोविंदपुर रोड, धनबाद, और ये पिन कोड रहेगा। स्कूल की जो मेन वेबसाइट है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। स्कूल की मेन वेबसाइट पर जो है नोटिफिकेशन अभी नहीं डाला गया है, लेकिन जब भी डालेंगे आप लोगों को मैंने नोटिफिकेशन दिखा दिया है। बाकी सारी चीज़ें डिटेल में मैंने आप लोगों को बता दी हैं। अगर आप इच्छुक हैं और बहुत अच्छी सैलरी के साथ परमानेंट जॉब करना चाहते हैं तो आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म, अपने डॉक्यूमेंट और साथ में फोटोग्राफ समय पर जो है स्कूल के लिए आप सेंड कर दें या फिर स्कूल में जाके पर्सनली सबमिट करवा दें, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।